देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है। एयरटेल ने अपने यूजर्स को इसके लिए खास मैसेज भेजा है। इस मैसेज में केवाईसी से संबंधित एसएमएस को लेकर अलर्ट किया गया है। दरअसल एयरटेल के नंबर पर ई केवाईसी मैसेज और कॉल के जरिए ठग लोगों को अपना शिकार बनाने लगे हैं। इसलिए एयरटेल ने अपने ग्राहकों को चेतावनी दी है। एयरटेल ने अपने 35 करोड़ से अधिक ग्राहकों को भेजे मैसेज में कहा है कि अलर्ट, एयरटेल कभी भी 10 अंक वाले मोबाइल नंबर से आपके अकाउंट या सिम अपडेट के लिए केवाईसी से संबंधित एसएमएस नहीं भेजता है। ऐसे धोखाधड़ी से सावधान रहे और कॉल पर कभी भी कोई ओटीपी कोड शेयर ना करें। अगर आप ऐसी फर्जी कॉल से बचना चाहते हैं तो आप उसके लिए कंपनी की डीएनडी सर्विस को एक्टिवेट कर ले। इससे आप अनचाहे कॉल और मैसेज से होने वाली परेशानी से बच सकेंगे। इस सर्विस को आप कॉल या फिर एसएमएस के जरिए एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा एयरटेल की वेबसाइट पर जाकर भी इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑनलाइन डीएनडी सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए आपको डू नॉट डिस्टर्ब पेज पर जाना होगा। इसके बाद एयरटेल मोबाइल सर्विस में दिख रहे क्लिक हेयर बटन पर क्लिक करें और फिर अपना एयरटेल नंबर दर्ज करें। इसके बाद वन टाइम पासवर्ड पर क्लिक करें और फिर ओटीपी सबमिट करें। इसके बाद स्टॉप ऑल पर क्लिक कर सबमिट बटन दबा दें। इससे आपकी ऑनलाइन डीएनडी सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप कॉल या मैसेज के जरिए अपने एयरटेल नंबर पर डीएनडी सर्विस एक्टिव करना चाहते हैं तो 1909 पर कॉल करें और फिर बताए गए निर्देशों का पालन करें। इससे आपके नंबर पर डीएनडी सेवा एक्टिवेट हो जाएगी। इसके अलावा मैसेज के जरिए इसे एक्टिवेट करने के लिए स्टार्ट लिखकर 1909 पर भेज दें। आपको बता दें कि प्रक्रिया को पूरा करने के बाद तकरीबन 7 दिनों के अंदर आपके नंबर पर यह सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। इस प्रकार डीएनडी सर्विस को एक्टिवेट कर आप फर्जी मैसेज और कॉल से बच सकते हैं। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।